टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में बंजारा हिल्स के जहरा नगर इलाके में एक इंतखाबी मुहिम चलाई और बीजेपी पार्टी के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर की जानिब से टीआरएस गवर्नमेंट के खिलाफ में एक रिपोर्ट की इजराई को आड़े हाथों लेते हुए बतलाया कि दुश्मन चाहे कितनी भी चालाकियाँ क्यों ना कर लें, रियासती अवाम टीआरएस पार्टी की कारकर्दगी को बहुत ही बेहतर तौर पर जानती है और ये कतई नहीं चाहती कि भारत की दूसरी रियासतों के जैसे हालात यहाँ पर भी रोनुमा ना हो जाएं। हैदराबाद में कोई दंगा फसाद नहीं, आज हैदराबाद में किसी को कोई ये कम्युनल टेंशन की तरफ से, कर्फ्यू की तरफ से कोई टेंशन नहीं, पर आज चंद लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे बीच में एक दरार खड़ा करने की, एक नया परेशानी यहाँ पे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश करता हूँ, जो भाईचारा और अमन केसीआर साहब के सदारत में टीआरएस पार्टी के लीडरशिप में इस गवर्नमेंट में इस हुकूमत ने कायम किया, इसको और मजबूत कीजिए। कार के निशान पे एक तारीख को वोट देके जो लोग हमें अलग अलग करके, आज बंटवारा करके अलग अलग करके हमें तोड़ना चाहते हैं, हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, उनको आप एक सबक सिखाइए। मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो भी प्रोग्राम हमारे तरफ से अभी गरीबों के लिए चलते आए इसको और आगे मजबूती से आगे ले जाएंगे। मैं फिर से आपका अदबन शुक्रिया अदा करता हूं। मल्लोकसार मी अंदर की पेर पेरना इंत सेपु ओपिकगा उन्नंदुकु धन्यवादालु तेलियजेस्तू जय तेलंगाणा कारु गुर्तुके।